हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे CAPF 2018 के रिज़ल्ट के बारे में। काफ़ी सारे लोगों के दोस्तों कमेंट आए हैं मेरे पास और सब ये पूछ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट जो है वो इतनी लेट क्यों हो रहा है, क्यों अभी तक जो है रिज़ल्ट CAPF का नहीं आया है। ठीक है, तो मैं दिखा देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने जो है क्वेश्चन पूछा, जैसे अभी रिसेंट एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन UPSC इज गोना अनाउंस द रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन प्लीज़ रिप्लाई सर। और मेरे पास कोरा पे भी क्वेश्चन एक आया था, व्हाई इज़ द CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2018 रिजल्ट डिले। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, दो चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है CAPF के रिजल्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे एग्जामिनेशन के साथ, फॉर एग्जाम्पल UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है, या फिर आप CDS के साथ कंपेयर करोगे, तो इन दोनों एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो CAPF से पहले आ जाता है। ऑलमोस्ट आपका 30 से लेके 45 दिन में दोनों एग्ज़ाम का जो है रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाता है। लेकिन CAPF के रिजल्ट में जो है 3 महीने का टाइम जो है लगता है, करीबन मतलब 80 से लेके 90-100 दिन तक लग जाते हैं। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न तो दोस्तों ये देखिए, जो सिविल सर्विस का पेपर होता है उसमें भी दो पेपर होते हैं और CAPF में भी दो हैं, आपके दो पेपर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें OMR बेस आपका पेपर होता है। ठीक है, उसमें आपको जो है जो बबल होते हैं वो फिल करने पड़ते हैं। CAPF में भी पहले पेपर में ऐसा ही होता है, लेकिन देखिए जो पेपर टू है आपका, वहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अब सिविल सर्विसेज में मान लीजिए 5 लाख कैंडिडेट्स ने जो है पेपर दिया है, तो OMR शीट का पेपर चेक करना है, जैसे पहला पेपर चेक करेंगे, अगर आपका वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका दूसरा पेपर जो सिविल सर्विस का है वो चेक नहीं होता है। तो बहुत कम लोगों का जो है पहला पेपर क्वालिफाई हो पाता है सिविल सर्विसेज में, आपको पता ही है। ठीक है, तो आधे कैंडिडेट तो वहीं पे, आधे से ज़्यादा जो है वहीं पे अलग हो जाते हैं, तो बहुत थोड़े पेपर बचते हैं पेपर टू के सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है सिविल सर्विसेज का रिजल्ट जो है विद इन अ मंथ जो है आपका तैयार हो जाता है, तो 30 से 40 दिन में जो है UPSC अनाउंस कर देता है उसका रिजल्ट। अब बात करते हैं CAPF के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, इस साल जैसे आपको पता है 398 वैकेंसीज जो 2018 के एग्जामिनेशन में जो वैकेंसीज आई थी वो 398 थी, तो उस हिसाब से जो है इनको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं जो सेलेक्ट करवाने हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो उसके लिए जो है 4 से 5 गुना कैंडिडेट्स जो है सेलेक्ट किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 1600 से लेकर 2000 कैंडिडेट्स जो इनको चाहिए जो आपका रिजल्ट अभी अनाउंस होगा उसके लिए। ठीक है, पिछली बार 179 वैकेंसीज थी, तो उस हिसाब से इनको 700 से 800 लोगों को जो है इन्होंने सेलेक्ट किया था रिटर्न के बेस पे, तो इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट भी डबल हैं। तो टाइम देखिए, अब जैसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा तो ज़्यादा कैंडिडेट्स के लिए पेपर भी तो ज़्यादा चेक करने पड़ेंगे ना, तो पहला पेपर तो आपका रिजल्ट वो बहुत जल्दी बन जाता है पहले पेपर का CAPF का, लेकिन दूसरा पेपर जो होता है आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें थोड़ा सा जो है टाइम लगता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है रिजल्ट में भी थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आपका रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल टू द डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी को भी नहीं पता है वो। तो ठीक है, अगर आपको कोई ये बोलता है कि 4 तारीख को आएगा, 10 तारीख को आएगा, तो उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 तारीख तक जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो कि मुझे लगता है क्योंकि पहले भी ऐसा जो है रिजल्ट काफ़ी बार दिया गया है, ऐसी बात नहीं है, तो इतने टाइम में आ सकता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट जो है लेट हो गया है, रिजल्ट लेट नहीं हुआ है, प्रोसेस थोड़ा सा जो है उसमें टाइम लगता है हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइए आप। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, अब कट ऑफ की बात अगर मैं करूँ तो जिन लोगों का जो है 110 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, चाहे आप कोई किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 110 कह रहा हूँ, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आपको लगता है अगर आपका पेपर टू जो है वो अच्छा हुआ है, ठीक है, तो अब पेपर टू अगर आपका सही हुआ है तो आप फिजिकल की अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपका ओवरवेट होगा या कम वेट होगा, ठीक है, तो आपको उसमें बहुत परेशानी होने वाली है क्योंकि टाइम जो है बहुत कम मिलता है। अगर रिजल्ट अभी आ जाता है, ऑलमोस्ट अगर 10 तारीख से पहले की मैं बात करूं, तो आपके जो है मेडिकल एग्जामिनेशन और जो फिजिकल आपका रहेगा PET जिसको बोला जाता है, वो आपका दिसंबर में जो है एंड तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 दिन का उसमें टाइम लगता है और 1 महीने से लेकर 40 दिन का जो है आपको टाइम मिलता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर अभी 10 तारीख तक रिजल्ट आपका आ जाता है तो जनवरी के जो है 10 या 15 तारीख तक जो है आपका फिजिकल वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, 3-4 इसमें इवेंट होते हैं, आपको पता है PET के बारे में, आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो जो है PET के रिगार्डिंग बनाई गई है, अगर आप बोलेंगे तो लाइव सेशन भी मैं आप लोगों के लिए अरेंज करवा दूंगा। ठीक है, और जिन लोगों का ओवर वेट है उनको अगर दिक्कत आ रही है कि वेट कैसे कम किया जाए और आपको लगता है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए मैं अजय सर का लाइव सेशन करा सकता हूँ। अजय सर ने जो है ऑलमोस्ट 20 के अराउंड जो है वेट लूज़ किया था CAPF एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आपको उसमें बहुत सारी मदद जो है आपको मिलेगी उससे। और भी अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप हमसे हमेशा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और हाँ, अगर आपका कोई पर्सनल वैसा क्वेश्चन है अगर, ठीक है, तो आप मुझे कोरा पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप जो है डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कोरा पे जो है मैंने ऑलरेडी अबाउट 170 के आसपास जो है क्वेश्चंस का जो है रिप्लाई किया है लोगों को।
ठीक है, तो आप मुझे कोरा पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, 2019 के रिगार्डिंग कोई भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और 2019 के लिए जो तैयारी करने वाले हैं CEPF एग्जामिनेशन के लिए, आप लोगों के लिए एक पूरा हम 8 या 9 महीने का प्लान जो है पूरा आपके लिए बना के लेके आएंगे। आप मुझे 20 तारीख के बाद एक हफ्ते का टाइम दीजिए, मतलब दिसंबर से बेसिकली हमारा वो प्लान शुरू होगा। और आप देखिए, एक चीज़ को जरूर ध्यान में रखिए, अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं किसी भी कोचिंग को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए इस एग्जामिनेशन में जो है कोचिंग से बहुत कम आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एट द लास्ट आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें सारी खुद ही करनी पड़ेंगी। और स्पेशल पेपर टू की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट है, खुद मैं भी आपको पेपर टू आपका क्लियर नहीं करा सकता जब तक आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो वो कहाँ से आएंगी, डेली जो 3-4 चीज़ें मैं आपको बताई है, क्योंकि देखिए UPSC का पेपर जो होता है ना वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है, कोई ज़्यादा उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। बहुत बच्चे हिंदी मीडियम के भी उसको क्वालिफाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं यार, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग की ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। पेपर टू के लिए जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी आएगी पेपर वन की तैयारी से, ठीक है। दूसरा आपको होना चाहिए करंट अफेयर की नॉलेज, क्या चल रहा है सोसाइटी में उसके बारे में पता होना चाहिए, और तीसरा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आपको किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप हेल्प ले सकते हैं अपने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी, या फिर आपको कोई और गाइड करने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो खुद से पढ़िए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और मैं यही रिकमेंड करूँगा अभी से अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हर साल दो से तीन लाख बच्चे जो हैं आपके कंपटीशन में आते हैं, ठीक है, और उनमें से अगर 5,000 बच्चे भी अगर CEPF के एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो देख लीजिए आपके लिए कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो फिजिकल की अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं आप। अगर फिजिकल के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट रहता है तो उसके रिगार्डिंग एक लाइव सेशन हम करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और फॉलो अगर आपको मुझे करना है कोरा पे, तो आपको जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।